हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज अरुणा पांडे. तो आज है मेरे जो कॉलेज में फेस्ट होने वाला है, एनुअल फेस्ट, जिसका की नेम तरंग है. तो तरंग का आज फर्स्ट डे है बेसिकली. तो आज एग्जीबिशन डे है, जिसमें हम लोग एक महीने से लगे हुए थे, बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे मॉडल्स बना रहे थे. तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग हम लोगों को 5:30 बजे आने को बोला था, क्योंकि सारी को सभी लोगों को अपना अपना स्टॉल लगाना था. हर एक को एक एक डिपार्टमेंट दिया गया था, जिसको उन बहुत सारे सभी लोगों ने मॉडल्स बनाए थे, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे. तो अब वही सभी को प्रेजेंट करना था, क्योंकि बहुत से स्कूल से बच्चे आने वाले थे. बहुत सारे स्कूल थे जो कि कानपुर में, मतलब काफी 5-6 स्कूल के बच्चे आने वाले थे. तो उन लोगों को ये रहना था कि उन लोगों को समझाना होता है कि अगर वो भी फ्यूचर में, अगर उनका भी एम है कि वो डॉक्टर बने, तो उन लोगों को उसी के बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में. तो हर एक किसी को एक डिपार्टमेंट मिली थी. बेसिकली मुझे जो मेरी डिपार्टमेंट थी वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी थी. तो हम लोग सुबह सुबह आके वही सब लगा रहे थे, सब अपने अपने बैनर लगा रहे थे और सब वही प्रिपरेशन कर रहे थे अपना अपना. तो मॉर्निंग में क्योंकि रात से बहुत अब थोड़ा सा ठंड पड़ रही है, तो काफ़ी सारा ये छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रही थी बूंद. तो फिर उसकी वजह से ये हमारा बन नहीं पा रहा था कुछ, इसलिए बार बार पेस्ट कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें छूट जा रही थी. लेकिन फिर फाइनली किसी भी तरीके से हम लोगों ने एडजस्ट किया और फिर सारा हमारा फाइनली प्रिपेयर हो गया. तो अब हम लोग वही प्रिपेयर करने के बाद बस वेट कर रहे हैं स्कूल्स के बच्चों का आने का. फाइनली हमने अपना बैनर भी लगा दिया था और अब हमारा टाइम हो रहा है ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि 8 बज चुके थे. तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, वापस हॉस्टल जा रहे थे. तब तक जो हमारी सीनियर थी, उन्होंने हमारी स्टॉल को लगभग कंप्लीट ही रेडी कर दिया था. लगभग लगभग हमारे पूरा सब कुछ लग चुका है, बैनर भी लग चुका है और सारे जितने भी हमारे मॉडल्स हैं सारे लग चुके हैं. बस हमारे डिपार्टमेंट में क्या थी, कुछ मशीन्स आने को हैं, तो जिससे कि हम डायरेक्ट बच्चों को दिखाएंगे कि कैप्सूल कैसे बनते हैं, मतलब मेडिसिंस कैसे बनती हैं, डायरेक्ट उन्हें बनाना सिखाएंगे. जो हमारे बगल में जो जिन्होंने लगा के रखा था, वो थी डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री. तो हमारे बगल में ही था इन लोगों को जो डिपार्टमेंट मिली थी. बाकी सभी ने, अब सभी के लगभग लगभग ये 9-10 बजे तक सभी के प्रिपेयर हो चुके थे, मतलब सभी ने अपनी स्टॉल अपनी अपनी लगा ली थी. तो अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ सभी को कि किस किस तरीके से लोगों ने लगा के रखी है.
ये हार्ट और ब्रेन बना है एनाटॉमी में। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के भी मॉडल्स बहुत ही अच्छे थे इन्होंने, मतलब बहुत सारे अच्छे भी पूरी, मतलब जो LLR हॉस्पिटल जो हमारे मेडकॉल्स कनेक्ट है वो सारे हॉस्पिटल्स बनाए थे। और ये जो रैट, मतलब इनके बहुत अब लगभग 11 बज रहे थे, तो जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स वो सारे आ रहे थे, बहुत सारे DPS वगैरह के जो स्कूल के स्टूडेंट्स वो सारे आ चुके थे। तो मतलब सब लोग अब करके उन्हें दिखा रहे थे, जितना भी तो वो सब अपने डिपार्टमेंट के, तो सब लोग करके दिखा रहे थे। सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा मशीनरी आती है, तो वही सब उन स्टूडेंट्स को मतलब बता रहे थे कि डॉक्टर बनने के बाद क्या क्या करते हैं, क्या क्या मतलब किस तरीके से होता है सब। तो वही स्टूडेंट्स आए हुए थे, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी हो रहे थे, जो कि और इधर से बच्चों को अवेयर करने के लिए उन्हें बता रहे थे कि अगर रोड साइड किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, मतलब उसे बंदे को मतलब साइड से ले आने के बाद फिर उसको किस तरीके से, तो वही सब बता रहे थे कि पहले उसको किस तरीके से ट्रीट करना है और एम्बुलेंस को किस तरीके से कॉल करनी है। तो वो सब स्टूडेंट्स को बता रहे थे क्योंकि हमारे सीनियर थे। अरे लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जिनको मिर्गी का दौर आता है उनको हाथ में लोहे का छल्ला और जूता सुंघाना चाहिए। लोग तो कहते हैं मिर्गी का दौरा एक पागलपन है और इसका इलाज पागल खाने में हो रहा है। फाइनली हम सारे क्योंकि इससे हमारा कोई विशेष पहले डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी में डायरेक्ट कैप्सूल बनता है, तो वही मशीन है ये अभी दिखा रहे हैं तो ये इसका मतलब डिपार्टमेंट की फार्मेसी डिपार्टमेंट के लोग जो कैप लगी हुई है डिपार्टमेंट के, तो वो लोग आए तो बॉडी यहाँ से तो बॉडी ऊपर आ जाएगी और ये नीचे जाएगा तो जो हमारा बॉडी होगी फुल लॉक हो जाएगी, तो हमारा कैप्सूल इसका
इसका हम देख लेंगे कि इम्पटी है और इसमें देखेंगे क्या पेंसिल कीजिए, उसकी साइज जो है वो छोटी हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा है तो यहाँ पे ये बॉडी जो हमारी लॉक हो जाती है। और अब लगभग काफ़ी टाइम हो रहा था, 12 बज रहे थे और हम सुबह से 6 बजे से जो काफ़ी हम थक भी चुके थे, तो मैंने तो थक के बैठ गई थी, मतलब सारा कुछ घूम के सारा कुछ देख के अपने डिपार्टमेंट में भी जाके, तो अब हम लोग बैठ चुके थे क्योंकि अब लंच का भी टाइम हो रहा था तो उधर भी जाना था। और आज इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर, अगर प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा है, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।